नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने रानीपुरा क्षेत्र में दबिश देकर ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कॉस्मेटिक का नकली सामान बेच रहे थे। कंपनी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में नजर आ रहा यह वह व्यापारी है जो नकली आइटम को ब्रांडेड कंपनियों के कॉस्मेटिक आइटम बताकर मार्केट में महंगे भाव में बेच रहे थे। इसकी शिकायत कंपनी के मालिक को मिली थी। उसके बाद कंपनी के कर्मचारियों के साथ मिलकर पुलिस ने दबिश दी और 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में ब्रांडेड कंपनियों के नकली ब्यूटी कॉस्मेटिक आइटम मिले हैं। यह आरोपी इतने शातिर हैं कि इन्होंने ब्रांडेड कंपनियों की हूबहू आइटम तैयार करवाकर मार्केट में बेच रहे थे। अब तक यह लाखों रुपए का माल मार्केट में खपा चुके हैं। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि अब तक कितने का माल है यह मार्केट में बेच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रानीपुरा में ब्यूटी के सामानों को बेचने की बहुत सारी दुकानें, वहाँ पूरा एक मार्केट है ब्यूटी से संबंधित उत्पादों का। वहाँ की ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि वहाँ कुछ दुकानदार प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी तथा हिंदुस्तान यूनिलीवर के उत्पादों का नकली माल कहीं से ला करके और उनको बेच रहे हैं, जिससे कि ये समाज के साथ और जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि ब्यूटी प्रसाधन के साधन जो भी होते हैं वो जनरली चेहरे पे ही लगाए जाते हैं, और यदि नकली माल होता है तो उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे निश्चित रूप से लोगों को परेशानी हो सकती थी। तो इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सेंट्रल कोतवाली के TI श्री BD त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और 4 दुकानों पर रेड की गई। एक थी मुस्कान ब्यूटी, A1 ब्यूटी शॉप। इन 4 दुकानों पर जब रेड की गई और इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से बहुत सारे महंगे महंगे सौंदर्य प्रसाधनों के सामान नकली मिले हैं, जिसमें जब्ती की गई है और जब्ती कर करके करीब 4.5 लाख रुपये का माल इसमें जब्त किया गया है। धारा 51 कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करके 4 दुकान के संचालकों को गिरफ्तार कर करके और न्यायालय में पेश किया जा रहा है। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।